नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ बंगाल में लोकेटेड एक प्राइवेट कॉलेज के ऊपर। इस कॉलेज का नाम है NSEC, कहूँ तो नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। यह एक प्राइवेट कॉलेज है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुई थी। यह कॉलेज में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, BBA आपको मिलता है, BCA मिलता है, BTEC मिलता है और MTEC भी मिल जाता है। मेनली यह BTEC के लिए प्रसिद्ध है। BTEC में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं और MTEC में भी आपको गेट के स्कोर्स के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। बात कर यह कॉलेज कहाँ लोकेटेड है, तो यह कॉलेज आपको लोकेटेड है टेक्नो सिटी पानीपोटा में, जो कि गड़िया में है कोलकाता में। टेक्नो सिटी में कॉलेज लोकेटेड है। यह कॉलेज को मान्यता प्राप्त है मकाउट के द्वारा, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये कॉलेज को रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया है AICTE के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। साथ साथ इस कॉलेज को एक्रेडिएटेड भी है, आपको NAC के द्वारा है और NBA के द्वारा ये कॉलेज एक्रेडिटेड है। इस कॉलेज में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। बेसिक फैसिलिटी जो हर इंस्टीट्यूट में मिलती है वो तो आपको इस कॉलेज में मिलेगी, जैसे कि आपको लाइब्रेरी होगा, ऑडिटोरियम होगा वगैरह वगैरह, आपको हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी होगी। और बात करें इस कॉलेज में आपको दाखिला किस आधार पर मिलता है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो BTEC के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको JEE मेंस पे मिलता है, या WBJEE पे मिलता है, या मैनेजमेंट कोटा पे मिलता है। मैनेजमेंट कोटा का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए एग्ज़ाम के थ्रू तो JEE मेंस या WBJEE के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। और आपको MTEC करना है तो आपके गेट के स्कोर्स देखे जाते हैं, गेट का एग्ज़ाम आप देके इसमें MTEC कर सकते हैं। बात कर इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी आपको बता दूँ, आपके 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री रखें या केमिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट जैसे बायोटेक्नोलॉजी भी आप रख सकते हैं। और साथ साथ आपके एग्रीगेट चाहिए 50% के आसपास आपके बोर्ड्स में एग्रीगेट चाहिए। बात करते हैं इस कॉलेज की फीस के बारे में, तो वो भी करीब 4 से 5 लाख इस कॉलेज की फीस हो जाती है। बात करें इस कॉलेज में इंटर्नशिप के बारे में, तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि इस कॉलेज में इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दी जाती है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए बाहर इधर उधर। बात करें आपको प्लेसमेंट्स के बारे में, तो प्लेसमेंट के लिए आपको CSE और IT और EC में करीब करीब 100% प्लेसमेंट हो जाता है, कंपनियाँ यहाँ आती है रिक्रूटमेंट के लिए। और एवरेज प्लेसमेंट आप कह सकते हैं 3 से 4 लाख तक एवरेज प्लेसमेंट पर एनम हो जाता है, और हाईएस्ट तो हो जाता है 13-14 लाख। ओकेजनली कभी मतलब रेयरली हाईएस्ट 13-14 लाख प्लेसमेंट इसका चल जाता है। तो प्लेसमेंट के लिए अगर आपको CSE IT EC मिल रहा है तो ठीक है, ये कॉलेज आप ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कॉलेज की BTEC में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। तो BTEC में बता दूँ आपको CSE प्रोवाइड होता है, आपको IT प्रोवाइड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, मैकेनिकल प्रोवाइड किए जाते हैं, सिविल प्रोवाइड किए जाते हैं, बायोमेडिकल और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बात करते हैं चलिए इस कॉलेज की कट ऑफ्स के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इस कॉलेज में अगर आपको एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको WBJEE या JEE मेंस इस दोनों परीक्षा के जरिए आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं WBJEE के कट ऑफ्स के बारे में। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो करीब करीब 11,827, यानी मान के चलिए 12,000 के अंदर आपको रैंक करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए तो करीब 17,734, मान के चलिए 18,000 तक रैंक आपको करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 23,783, 24,000 तक मान के चलिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 57,270, करीब 58,000 मानकर चलिए। मैकेनिकल के लिए 79,773, यानी 80,000 मान के चलिए। सिविल के लिए भी लगभग 80,000 मान के चलिए। बायोमेडिकल के लिए करीब करीब 63,000 तक आपको लाना होगा WBJEE में, तभी आपको कोई ब्रांच इस कॉलेज में मिल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप कंप्यूटर साइंस IT या ECE के लिए ही जाएँ, तो उसके लिए आपको करीब करीब 23-24 हज़ार तक रैंक ले आना चाहिए WBJEE में। तो चलिए बात करते हैं अब हम JEE मेंस के क्या कट ऑफ जाते हैं।
तो जेईई मेंस के लिए बता दो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो करीब 93,000 आपको रैंक लाना पड़ेगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए तो करीब आपको 1,20,25,000 आपको रैंक लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए तो करीब 1,38,000 या 39,000 या 40,000 तक आप ले आएँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो करीब 2,62,000 तक। मैकेनिकल चाहिए तो करीब 6,86,000। सिविल चाहिए तो करीब 10,75,000। बायोमेडिकल चाहिए तो करीब 4,45,000। तो जो ये जो मैंने कट ऑफ बताए हैं ये थर्ड राउंड के कट ऑफ है। आपको बता दूं काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या कभी कभी फोर्थ राउंड, मतलब इसका फोर्थ राउंड चली जाता है। तो मैं आपको ये फाइनल राउंड की, ये आपको मैं थर्ड राउंड का मैंने कट ऑफ बता दिया है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप WBJEE के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए 24,000 तक आप रैंक ले आएँ। अगर आप JEE मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो करीब करीब 1,40,000 तक आप अपना रैंक उसके अंदर ही लेकर आएँ। उससे ज़्यादा रैंक आपका, मतलब 1,40,000 तक आपको रैंक ले आना है। तो ये रहे सारे डाउट्स। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस कॉलेज को आउट ऑफ 10 कितना रिव्यू दूँ, तो मैं इस कॉलेज को 7 देना चाहूँगा। क्योंकि 7 5 से ज़्यादा है। 7 इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खामियाँ भी हैं, जैसे प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना आइडियल कॉलेजेस का होता है, और सारे ब्रांचेस में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं। बस आपको टॉप के ब्रांचेस हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, IT और EC, इसमें आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो आप मोर देन 4 लाख पर एनम भी ला सकते हैं, 5 लाख पर एनम भी ला सकते हैं, लेकिन एवरेज इसका 3-4 लाख पर एनम हो जाता है। तो आउट ऑफ 10 आई विल गिव 7 रेटिंग का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मैं भविष्य में अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।